गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम जो प्राणायाम किए थे ना और गायत्री मंत्र किया था उन्हीं को एक बार दोहराएंगे बेटा, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा किया था? गायत्री मंत्र किया था फर्स्ट वीक में हमने। चलो गायत्री मंत्र के लिए क्या है, कौन से पोजीशन में बैठना आपको? ऐसे सुखासन में बैठना है और ऐसे ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, तो सबसे पहले लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलो देखते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ये मंत्र बेटा आपको 3 या फिर 5 टाइम आपको रिपीट करना है। ठीक है, इसके बाद हमने किया था बेटा अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें हमने क्या है, सुखासन में ही बैठना है लेकिन नोस्ट्रिल्स का ध्यान रखना है कि कौन से नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है, कौन से ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ये वाली 2 फिंगर्स उनको फोल्ड करेंगे और अंगूठे से राइट वाले नोस्ट्रिल्स को ऐसे दबाएंगे और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे। राइट वाले से ब्रीथ आउट। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट से लिया, राइट से हमने एक्सेल किया, फिर हमने राइट से लिया और लेफ्ट से एक्सेल किया, ये एक लैप हो जाता है बेटा। ऐसे आपको 15 to 20 टाइम ऐसा करना है। ठीक है, ये था आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद किया था बेटा हमने भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, आपको गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और उसको कुछ समय के लिए आप उसको होल्ड करना है, आपको ज़्यादा नहीं, 2, 3 या 4 सेकेंड के लिए। ठीक है, और इसको धीरे धीरे माउथ से ब्रीथ आउट कर देना है, इससे आपके चेस्ट बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। चलो करते हैं, डीप ब्रीथ, होल्डिंग एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, तो गायत्री मंत्र, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये भस्त्रिका प्राणायाम, इनको क्या करेंगे आप, इसका अभ्यास करेंगे बार बार। ठीक है, सुबह रोज करेंगे तो आपको इसका फायदा 100% मिलेगा बेटा। ठीक है, टेक केयर बेटा, बाय बाय। नई आसन के साथ फिर से मिलेंगे मैम के साथ।